दोस्तों उम्मीद है रियल टाइम बेटिंग एंजॉय होगे टेम्पलेट्स को रहे होगे हो बट एवरी वार्निंग देता हूं कॉपी पेस्ट नहीं करना कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करने का अपनी मेहनत करनी है आइडिया एनालाइज कीजिए मेरी बेड्स को और उसको रिप्रोड्यूस अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो इंजीनियर इंजीनियर बाबू के लिए ये वर्ड मैंने बड़ा सोच के आपके लिए वीडियो में बोला इंजीनियर बाबू जो हमेशा इनबॉक्स करते हैं पूछते हैं सवाल पूछते हैं कि क्या फ्री हमारे लिए भी है और मैं उनको ये बताता हूँ फ्री लैंसिंग आप ही के लिए तो है वेब डेवलपमेंट ग्राफिक डिजाइनिंग कंटेंट राइटिंग के लिए तो छोटे छोटे पैसे मिलते हैं पैसा तो है ही सारा हाई पेड मनी इन फ्री लैंसिंग इज इन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा आज थोड़ा टाइम लगाऊंगा और आपको प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं सो एज़ ए सिविल इंजीनियर एज एन एलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको समझ लग जाए कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर किस तरह के प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं फिर उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को उठाएंगे उस पर बेड करेंगे और चूंकि मेरा ताल्लुक नहीं है इंजीनियरिंग से तो कोई जुगाड़ लगाएंगे कुछ सोचते हैं और फिर स्क्रीन पर देखते हैं दोस्तों ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो अब मैंने प्रोसेस स्टार्ट से नहीं इनिशिएट किया होम पेज से आप सर्च पे क्लिक करते हो देन यू गेट टू द पेज और फिर आप पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करते हो देन यू गेट टू द कैटेगरी सो मैं तीसरे स्टेप पे ऑटोमेटिकली जंप करके आ गया हूँ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर अब ये जो तीसरा स्टेप आपको नजर आ रहा है इस पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के सब कैटेगरीज हैं और राइट right साइड पे प्रोजेक्ट्स हैं मिसाल के तौर पर यह प्रोजेक्ट है साइट प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर वर्क फिर आप देखिए जनाब ड्रेनेज सिस्टम एंड रोडवे डिजाइन सिविल इंजीनियर के लिए काम है न्यू होटल 110 कमरे दो डाइनिंग एरिया आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग शिपिंग कंटेनर अपार्टमेंट स्ट्रक्चर अपार्टमेंट स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग क्वांटिटी सर्वे कंस्ट्रक्शन जॉब सिविल इंजीनियरिंग कैड ड्राइंग फॉर 2000 हजार स्क्वेयर फीट होम सिविल इंजीनियरिंग फिर इस तरह रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर और उसके बाद जनाब सॉलिड वर्क एक uh, सॉफ्टवेयर है इंस्टॉलेशन एंड कन्फिग्रेशन है ये भी सिविल है डिज़ाइन और जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़ाहिर है इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग है सिस्टमेटिक एंड पी सी बी डिज़ाइन ये बहुत ज़्यादा सर्किट बोर्ड इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डिज़ाइन आर्किटेक्चर ड्राइंग्स लाइटिंग जो डिज़ाइनर है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है ये मिक्स बैग होता है जनाब प्रोजेक्ट्स का और मैं एक प्रोजेक्ट है ऑटो कैड का क्योंकि थोड़ा सा मेरा वास्ता है और थोड़ी मुझे समझ है मैं ज़ाहिर इंजीनियर तो नहीं हूँ लेकिन इंजीनियर्स के लिए ये बेड हो रही है तो मैंने इसको एक न्यू टैब पे ओपन कर लिया है जनाब इस न्यू टैब पे एम्प्लॉयर कहता है कि लुकिंग फॉर सम वॉन्ट टू ट्रांसलेट माय स्केचेस इनटू टू कैट ड्राॅइंगस इनके पास स्केच है दो हज़ार स्क्वेयर फीट होम की कैट ड्राइंग है आ, लगता है नया नया घर बना रहे हैं अपना और उसके लिए इनके पास पहले इन्होंने मेहनत करके स्केच बनाए अब उस स्केच के लिए इनको कैट ड्राॅइंग्स चाहिए और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो मैं अब इस प्रोजेक्ट पर बिड करने जा रहा हूँ और मुझे प्राइस का चूँकि मुझे पता नहीं है ओवरऑल तो मैं पर आवर प्राइस दूंगा वैसे भी इंजीनियरिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पे पर आवर प्राइस ही बेहतर होती है सुजन नाम है जी क्लाइंट का और इनको मैंने कहा डियर सुजन थैंक्स फॉर रीडिंग माई रिस्पॉन्स टू योर प्रोजेक्ट क्या है आपका बड़ी मेहरबानी आपने टाइम निकाला और मेरे प्रोजेक्ट पे रिस्पॉन्स पे तो दी Uh, उनको मैंने ये बताया थोड़ा सा मेकअप तो करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ताल्लुक तो नहीं है इंजीनियरिंग से तो मैंने कहा जनाब आई एम अ स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस यहाँ तक सच है दैट प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज सच एज वेब डिजाइन डेवलपमेंट कंटेंट राइटिंग एंड देन इंजीनियरिंग सर्विसेज ये मैंने इसलिए बताया कि मैं एक इंप्रेशन प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ कि आई एम बिग कंपनी आई एम नॉट अ स्मॉल इंडिविजुअल आप गौर कीजिएगा कि अब तक जो मैं आपको वीडियोस दिखा रहा था वो मैं इंडिविजुअली बात कर रहा था मैं मेक्स बैक अप्रोच ट्राई करता हूं कभी मैं इंडिविजुअल बेड करता हूं कभी मैं एज अ कंपनी करता हूं अब मैं एज अ कंपनी बेड कर रहा हूं कि आई ओन अ स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस जो कि ये इंजीनियरिंग सोल्यूशंस भी देता है आ, उसके बाद एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट कि जनाब स्केचेस को वैक्टराइज़ करना है यूजिंग ऑटो कैड कि स्केच बने हुए हैं पेपर में शीट में, में और उसको वो चाहते हैं कि उन डायमेंशन्स पे ऑटो कैड पर क्रिएट कर दिया जाए तो मैं यहाँ पर ये यह लिख रहा हूँ कि वी कैन वैक्टराइज ये जो स्केच होता है इसको कहते हैं रास्टर यानी के रफ फॉर्मेट इसको कहते हैं रास्टर और जो डिजिटाइज होता है ये रास्टर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑटो कैड रेवेट बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इंजीनियर्स लोग जानते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं वैक्टराइजेशन नक्शे होते हैं उनको भी वैक्टराइज किया जाता है जीआईएस मैप्स हैं उनको वैक्टराइज किया जाता है हाउस मैप है उसको वैक्टराइज किया जाता है या फ्यूचर प्लानिंग uh, जैसे ये साहब ने स्केचेस बनाए हैं घर के उनको भी वैक्टराइज किया जाता है यूजिंग ऑटो कैड मैंने बताया जनाब वी कैन वैक्टराइज यूर स्केचेज इन कैड फाइल्स आई अंडरस्टैंड फर्स्ट टास्क इस यू नो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट की कि बेस प्लान ही बनाना है और उनको मैंने बताया जना मैं 25 डॉलर पर आर चार्ज करता हूँ कैट ड्राइंग्स का हमारी कंपनी करती है तो यहाँ तक अभी एम्प्लॉयर को समझ लग रहा है कि यार दिस गाई नोज इस टफ़ के इसने वैक्टराइज का वर्ड यूज़ किया है और ये एक बड़ा Uh, you know, है स्पेशल बारहा ये बताता हूं कि फ्री इज ऑल अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट अगर ये पीएमबी खुल गया और एम्प्लॉय ने कहा हाँ तो जाऊंगा फेसबुक का ग्रुप पाकिस्तान फ्री पे वहां पे इंजीनियर्स भी हैं वहां पे डॉक्टर्स भी हैं वहां पे वेब डेवलपर्स भी हैं सो एंड सो फोर्थ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जना मुझे एक सैम्पल चाहिए और काम मिला तो फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड कर लेंगे यू नो आई हैव अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद द पाकिस्तानी फ्रीलांसर उसके बाद जनाब मैंने एम्प्लॉयर uh, को कहा कि अगर आपको इंटरेस्ट uh, है तो पी एम भी खोलें मैसेज बोर्ड खोलें हम आगे इस बात को डिस्कस कर लेते हैं और फिर ऑफकोर्स क्लोजिंग जिस पर मेरा नाम मेरा ई मेल एड्रेस और uh, मेरा वेबसाइट एड्रेस अब मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँगा अपनी बेड पर जहाँ पर मैंने इनको बताया कि मैं आपको एक फ्री मॉकअप दे रहा हूँ एक सैंपल आपके लिए क्रिएट कर दूंगा एक स्केच का आपका चाहे पूरा बनाओ चाहे आधा बनाओ पी तो खोले ना पहले और उसके बाद हम बातचीत करेंगे उसको स्काइप पर लेके जाऊंगा या कुछ करूँगा और दूसरी बात मैंने बताया जनाब मैं पच्चीस डॉलर पर आवर चार्ज करता हूँ ऑफकोर्स रीड करने बहुत जरूरी है अपनी बेड को तो मैंने यहाँ पे ये समझा कि वी कैन वैक्टराइज योअर स्केचेज यूजिंग ऑटो कैड कि थोड़ा सा जरा क्लेरिफिकेशन दे दूँ एम्प्लॉयर को और फॉर्मेट भी बताना बहुत जरूरी है तो मैं अब यहाँ पे ये यह ऐड कर रहा हूँ द फाइनल डिलीवरेबल विल बी डॉट डी डब्ल्यू जी ये ऑटो कैट का आउटपुट होता है ड्राइंग फाइल्स का और अगर वो कुछ और भी फॉर्मेट चाहते हैं क्योंकि ऑटो कैट से मल्टीपल फॉर्मेट्स निकलते हैं तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा जब मैंने ड्रॉइंग बना ली तो फिर फॉर्मेट भी निकल जाएंगे तो जनाब स्पेशल ऑफ़र को मैं बोल्ड करूँ क्योंकि ये मेरी हाईलाइटिंग ऑफ़र है ये एक खसूसी ऑफ़र है जो बिड देखते ही नजर जाएगी एम्प्लॉयर की नो इफ एवरीथिंग लुक्स गुड व्हाट आई एम टू डू इज आई एम हिट द अप्लाई बटन तो दोस्तों ये मैं आ गया बिड के आखिर में और मैंने अप्लाई के बटन पे क्लिक किया और तीन सेकेंड्स ममूमन लगते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन सबमिट होगी हमारी दरखास्त